नमस्कार दोस्तों, लव यू हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर बताई गई सभी नुस्खे प्राचीन आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, जिनको आप घर पर मिलने वाली वस्तुओं से आसानी से बना सकते हैं। तो यदि आपने हमारा चैनल लव यू हेल्थ सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को प्रेस कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए आयुर्वेद पद्धति का प्रयोग बहुत पहले से ही किया जा रहा है। जड़ी बूटियों में बहुत से गुण होते हैं और शरीर पर इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। कई जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिसके सेवन करने से भूख बढ़ती है और वजन भी बढ़ता है। दोस्तों, आयुर्वेद की भाषा में जिन लोगों को वात दोष होता है उनका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। खान पान में अनियमितता की वजह से शरीर के अंदर कम कैलोरी जाती है और मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। मोटापा बढ़ाने के लिए अगर आप जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसी चिकित्सक की परामर्श जरूर लें, जिससे इन जड़ी बूटियों का आपके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर ना पड़े। दोस्तों, आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका सेवन करने से आप अपने वजन को बहुत ही अच्छी तरह बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन जड़ी बूटियों के बारे में जिसके सेवन से आप अपने वजन को बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ और बेहतर रह सकते हैं। किरात, वजन बढ़ाने के लिए यह बहुत ही अच्छी औषधि है। यह खाने में कड़वी होती है, इसका सेवन करने से भूख बढ़ती है। इसके अलावा पेट की समस्या जैसे अपच या अन्य विकार इससे समाप्त हो जाते हैं। किरात का प्रयोग छोटी आंत के एंजाइमों में सर्व, गैस्ट्रिक सर्व और पित्त की समस्या के लिए प्रयोग किया जाता है। केमोमाइल, केमोमाइल का सेवन करने से भूख बढ़ती है। खाने में यह कड़वी नहीं होती है। केमोमाइल का सेवन बहुत पहले से खाने को अच्छी तरह पचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा केमोमाइल कैंसर के रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी कारगर औषधि है। पतले लोगों के लिए यह औषधि बहुत ही उपयोगी है। इसे खाने से दिमाग की चिंता और तनाव भी समाप्त होता है। अदरक, अदरक खाने में बहुत ही तीखी होती है। अदरक बहुत ही पुरानी और आसानी से मिलने वाली औषधि है। इसका प्रयोग पहले से ही पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। सूखे अदरक को गुड़ के साथ मिलाकर खाने से ठंड और पेट दर्द जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अदरक खाने से रक्त संचार भी बढ़ता है। अदरक का प्रयोग भूख न लगने, अपच, पेट फूलना और मितली में किया जाता है। ठंड से बचाव के लिए अदरक बहुत ही फायदेमंद है। च्यवनप्राश, च्यवनप्राश शरीर के लिए बेहद फायदेमंद हर्बल टॉनिक है। च्यवनप्राश का प्रयोग सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। इसे हर रोज खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है, मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है। च्यवनप्राश में कई जड़ी बूटी का मिश्रण होता है। दूध के साथ और जूस के साथ इसका सेवन करने से शरीर को प्राकृतिक ताकत मिलती है। शतावरी कल्प, यह मोटापा बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद जड़ी है। इसका सेवन करने से प्रजनन करने वाले अंग और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। शतावरी कल्प आंखों की रोशनी बढ़ाने का भी काम करती है। अश्वगंधा, यह एक रासायनिक टॉनिक है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। इसे खाने से भूख बढ़ती है और पाचन क्रिया अच्छी होती है। यह तनाव को भी समाप्त करता है। बसंत कुसुमाकर, यह शरीर के अंगों को मजबूत बनाता है। इससे पाचन क्रिया अच्छी होती है और मोटापा बढ़ता है। यष्टिमधु, यष्टिमधु खाने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलता है। यष्टिमधु खाने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलता है। फलों की कमी वाले पोषक तत्व को यह पूरा करता है। हालांकि पाचन क्रिया को सुधारने के लिए जड़ी बूटियों का सेवन बहुत ही बेहतर उपाय है, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य के लिए उचित खान पान के साथ प्रत्येक दिन योगा की भी जरूरत होती है। योगा और उचित खान पान से वजन बढ़ाने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये थे गुण कुछ आयुर्वेद औषधि के, जिसका उपयोग करके आप अपने वजन को बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल लव यू हेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य उपयोगी उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।